आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। काली के पवारणी धर्मार्थम सदे देवी महाकाली नमस्ते भगवान वंदे जय सर्वांत काली परमित मते गोरी परमित मते गोरी नारायणी नमस्ते जय नारायण जय कि मैं उस जगह पे आया हूं जो न केवल भारत पूरी दुनिया भर के लिए चेतना जागृत करने की जगह है। यही वो स्थान है जहां भारत की आकाश गंगा के सबसे तेजस्वी तारले स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। स्वामी जी ने अपनी अल्पायु के अंदर ही भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया था। जब अमेरिका के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ
उस वक्त स्वामी जी ने अपने एक ही वाक्य से सनातन धर्म का विश्व बंधुत्व की व्याख्या को पूरी दुनिया को परिचित कराया था। स्वामी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिकता और अध्यात्म को जोड़ने का काम किया और पूरे देश का आह्वान किया था कि 50 साल तक सब लोग अन्य देवी देवताओं को भूलकर भारत माता का आराधन करें तो ये देश जागृत हो जाएगा। और उसके ठीक 50 साल बाद भारत की आजादी मिली थी। और मैं आज यहां आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहां से प्राप्त कर मैं जा रहा हूं। और मैं आज भी मानता हूं कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा जरूरत शायद आज है। और मैं इस स्थान पवित्र स्थान पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आशीर्वाद दे और चलने की प्रेरणा दे। और मेरा निश्चित मानना है कि ये मार्ग ही न केवल भारत समग्र विश्व के कल्याण का मार्ग हो सकता है। धन्यवाद।